Hello everyone, today I am going to explain you about pronouns. What is pronoun? Word which is used in place of a noun is called pronoun. Pronoun is a word which is used in a place of noun. जो word noun के place पे use करते हैं हम उसे pronoun कहा जाता है. Word which is used in place of a noun is called pronoun. Here I have written a definition. And why we are using pronoun? What is the use of pronoun? Why it is necessary? So it is necessary to avoid repetition of noun in a sentence. If we will repeat noun again and again in a sentence, then sentence will not sound good. So to avoid that, we are using pronoun. Hum pronoun रिपीटेशन किसी भी नाउन का रिपीटेशन बार बार सेंटेंस में ना हो इसीलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं. ओके सो लाइक फॉर एग्जांपल यू सी दिस सेंटेंस मोना इज अ गुड गर्ल. अगेन मोना इज द फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स. अगेन मोना सिट्स बिसाइड मी. सो ये सेंटेंस ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि हम बार बार मोना जो नाउन है उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसीलिए ये अच्छा नहीं लग रहा है. सो टू अवॉइड दिस रिपीटेशन वी आर यूजिंग प्रोनाउंस. सो फॉर मोना एज मोना इज अ गर्ल सो वी विल यूज शी. मोना इज अ गुड गर्ल शी इज द फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स. अगेन हियर आल्सो वी विल यूज शी. She sits beside me. अब ये सेंटेंस अच्छा लग. So we are using pronouns to avoid a repetition of noun in a sentence. There are different kinds of pronoun. First is personal pronoun. Second is possessive pronoun. Emphasizing pronoun. Reflexive pronoun. Demonstrative pronoun. Interrogative pronouns, distributive pronouns, indefinite pronouns, and relative pronouns. So first we will see what is personal pronoun. Personal pronoun is used for person and things. Personal pronoun हम लोग person और things के लिए use करते हैं. Personal pronoun is divided into two parts. First is subjective pronouns and second one is objective pronouns. You know children very well that sentence is divided into two parts. First is subject and second is object. So pronoun used in a subject place is called subjective pronoun and the pronoun used in object place is called ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करते हैं उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है और जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है. सो वी विल सी दिस. आई हैव डिवाइडेड इट इनटू फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? जो बात करते हैं लाइक आई एम टीचिंग सो आई एम द फर्स्ट पर्सन. यू आर लिसनिंग सो यू आर सेकेंड पर्सन. एंड वी आर लर्निंग ग्रामर सो ग्रामर इज अ थर्ड पर्सन. या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है. जो बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन और जिसके बारे में बात किया जाता है वो थर्ड पर्सन. सो इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन इज आई. ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है लाइक आई एम टीचिंग. देन फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन इज वी. है ना, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन इज वी. सो वी आर लिसनिंग, दिस इज एग्जाम्पल, वी आर लिसनिंग. हियर आई इज अ सब्जेक्ट, वी इज अ सब्जेक्ट. ओके, then similarly in second person singular and plural.
होता है. सेकंड पर्सन में सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यू यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ गुड गर्ल. सो यू इज अ सब्जेक्ट. सेकंड इज थर्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. सो इन थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन वी आर यूजिंग ही. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय. He is a good boy. So he is a subject. So it is a subjective pronoun. Then and he is used for male, masculine gender. Okay. She. She is also a third person singular pronoun. So for example, she is looking beautiful. She is looking beautiful. So she is थर्ड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन. देन इट. इट इज कैप्ट ऑन द टेबल. इट इज कैप्ट ऑन द टेबल. सो इट इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन. देन दे. दे आर प्लेइंग. सो दे इज अ थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन. दे प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज होता है. ही शी और इट सिंगुलर के लिए यूज होता है और दे प्लूरल के लिए यूज होता है. ही फॉर मेल. वी आर यूजिंग ही फॉर मस्कुलाइन जेंडर और मेल. शी फॉर फेमिनाइन जेंडर और फीमेल. एंड इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. बट समटाइम वी आर यूजिंग इट फॉर लिविंग थिंग्स ऑल्सो. Then we don't know whether it is male or female. जब हमको ये आइडिया नहीं होता है कि वो मेल या फीमेल हो तो हम इट प्रोनाउन यूज करते हैं. एंड वी आर यूजिंग इट फॉर एनिमल्स. वी आर यूजिंग इट फॉर चाइल्ड बेबी. एंड वी आर यूजिंग इट फॉर टाइम डिस्टेंस एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. नाउ वी विल सी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. मतलब जो प्रोनाउन हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे. सो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सिंगुलर में हम लोग क्या यूज करते हैं? मी. फॉर एग्जाम्पल, आर यू लिसनिंग टू मी. हियर मी इज रिटन एंड दैट इज अ ऑब्जेक्ट. ओके. सेकेंड इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज अस. इट इज गुड फॉर अस. अस इज रिटन एट द ऑब्जेक्ट प्लेस. सो इट इज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. हियर इट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. अस इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. और अस प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. ठीक है, प्लूरल है. देन यू. यू इज used in second person. ठीक है, first person, second person में singular और plural subjective pronoun के लिए भी you use हो रहा था और objective pronoun में भी कोई changes नहीं है, you ही use होता है. For example, I know you. Objective के place पे use हुआ है you, so you is a objective pronoun. Then in third person singular ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वी आर यूजिंग हिम फॉर मस्कुलाइन जेंडर और फॉर मेल. फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग विथ हिम. सो हियर यू सी हिम इज ऑब्जेक्ट. देन फॉर फीमेल और फॉर फेमिनाइन जेंडर वी आर यूजिंग हर एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, शी डिडंट लाइक हर. Her is used as object. So her is a objective pronoun. It. It is also a objective pronoun. For example, they are not interested in completing it. It is used as objective pronoun. Them. The teacher has given them homework. So them is used as objective pronoun. So in this way
pronoun, personal pronoun is divided into subjective pronoun and objective pronoun. For first person singular, we are using I and we as subjective pronoun, and for objective pronoun, we are using me and us. Second person, we are using you in subjective pronoun, and objective also we are using you. Third person, we are using he, she and it as our subjective pronoun, and then him, her, it as objective pronoun. And in plural, we are using they as subjective pronoun and them as objective pronoun. I hope you have understood this. And in my next video, I will be explaining you about possessive and other kinds of pronoun. Thank you.